सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब मस्त होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था एम्बेडेड कंप्यूटर किसे कहते हैं, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट था। एम्बेडेड कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, सबके बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली थी। तो आज हम लोग जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं तथा इसका आविष्कार किसने किया था, इसमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, और इसको किसने आविष्कार किया था, किस कंपनी ने किया था। आई होप गाइस आप लोग समझ रहे होंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसका विकास 1970 से प्रारंभ हुआ, जब CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये रहा हमारा माइक्रो प्रोसेसर। जब CPU में हमारा माइक्रो प्रोसेसर उपयोग में लाया जाने लगा, तब वही माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार होना शुरू हो गया, ठीक है। सर्वप्रथम IBM कंपनी ने इसका आविष्कार किया। ये रही हमारी IBM कंपनी, यानी कि इसे कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसमें 8, 16, 32, 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम घर में करते हैं, इसमें करते हैं, घर में कर सकते हैं, उसके बाद स्कूल में कर सकते हैं। स्कूल में तो आप लोग करते होंगे कंप्यूटर का उपयोग, आई हो मैं ऐसा करता हूँ। सभी स्कूलों में तो नहीं रहता, पर हाँ कुछ ना कुछ स्कूल में जरूर रहता है। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है हम लोगों का बिजनेस, जो कि सबसे मेन है। आप लोगों को अगर बिजनेस करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स दे सकता हूँ। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।